नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं dlallantop.com। मंसूर के दो मायने होते हैं, पहला विजेता और दूसरा जिस पर ईश्वर की मेहर हो। मगर ये मंसूर ना विजेता है और ना ही ऐसे शख्स को ईश्वर कभी माफ करेगा। क्यों? क्योंकि इल्ज़ाम है कि इस मंसूर खान ने नटवर लाल को भी पीछे छोड़ दिया है। इसने धर्म के नाम पर हजारों मासूम लोगों से ठगी की, लोगों की भावनाओं से खेला, आई मॉनेटरी एडवाइजरी यानी IMA नाम की संस्था बनाई और पोंजी स्कीम चलाई। फिर 30,000 से ज़्यादा मुस्लिमों को चूना लगाकर दुबई भाग गया, करीब 4,000 करोड़ रुपए लेकर। वैसे अलग अलग सोर्सेज से ठगी की रकम 1500 करोड़ से लेकर 4,000 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। जांच एजेंसियों का शिकंजा कसने के बाद मंसूर भारत आ गया है। दुबई से दिल्ली लैंड करते ही उसे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। इसके बाद से ही उस पर जांच में शामिल होने के लिए भारत आने का दबाव था। मैनेजमेंट ग्रेजुएट मंसूर खान पर 4 आरोप हैं। पहला, मंसूर खान ने साल 2006 में बेंगलुरु में एक फाइनेंस कंपनी बनाई, नाम रखा आई मॉनेटरी एडवाइजरी यानी IMA। दावा किया कि IMA संस्था इस्लामिक बैंकिंग के नियमों का पालन करेगी। इस्लाम में सूद यानी ब्याज लेना देना हराम माना जाता है। दूसरी बात, मंसूर खान की कंपनी ने इस्लामिक कानून यानी शरिया के पालन के नाम पर करीब 30,000 लोगों से पैसा जमा कराया। 50,000 रुपए जमा कराने पर तिमाही, छमाही और सालाना 14-18% रिटर्न देने का वादा किया। तीसरा आरोप, IMA में जितने भी लोगों ने पैसे जमा किए उनको मंसूर खान ने कंपनी में बिजनेस पार्टनर बनाया और कहा कि आप सभी IMA के हिस्सेदार हैं, कारोबार में तरक्की करने पर जो मुनाफा होगा उसका लाभ सभी को मिलेगा। चौथा आरोप, मंसूर खान ने चिटफंड कंपनियों की पोंजी स्कीम जैसी योजना लॉन्च की, जिसमें लोगों को भारी रिटर्न का लालच दिया गया। लोगों से कहा गया कि पैसा सोने चांदी में निवेश किया जाएगा। निवेशकों ने, जिसमें ज्यादातर मुसलमान थे, मंसूर खान पर भरोसा किया। कंपनी ने कुछ ही सालों में लोगों से करीब 1500 से 4000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए। अब समझिए कैसे काम करती थी IMA। पहली बात, IMA ने शुरुआत में बेंगलुरु में दफ्तर खोला, फिर लोगों से पैसे लगवाए। निवेश के बदले मंसूर खान ने शुरू में निवेशकों को बड़ा रिटर्न दिया, चेक के जरिए पैसा वापस किया गया। इससे उसकी योजना पर लोगों का भरोसा बढ़ता गया। निवेश करने वाले हर मुस्लिम शख्स को कुरान भेंट की जाती थी। मंसूर खान ने अपनी स्कीम को आम मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय मौलवियों और मुस्लिम नेताओं का भी सहारा लिया, उनके जरिए प्रचार कराया। उसने मदरसों और मस्जिदों में खूब दान किया। इससे मुसलमान धार्मिक आधार पर उससे जुड़ते चले गए। कंपनी के कर्मचारी हमेशा साधारण कपड़ों में दिखते थे, वे लंबी दाढ़ी रखते थे और ऑफिस में ही नमाज पढ़ते थे। इससे आम मुसलमानों में ये धारणा मजबूत होती गई कि हो ना हो ये कंपनी इस्लामिक कायदों और कानूनों के मुताबिक ही चल रही है। इस्लाम में ब्याज से मिली रकम को अनैतिक और इस्लाम विरोधी माना जाता है। इस धारणा को तोड़ने के लिए मंसूर खान ने धर्म का कार्ड खेला और निवेशकों को बिजनेस पार्टनर का दर्जा दिया। इस तरह वो मुसलमानों के बीच ब्याज हराम है वाली धारणा तोड़ने में कामयाब रहा। अब मामला खुला कैसे वो समझिए। मंसूर की गाड़ी ठीक चल रही थी, मगर साल 2017 से निवेशकों को इसमें कुछ गड़बड़ी होने की आशंका दिखने लगी। तब तक मंसूर ने स्कीमों पर रिटर्न देना कम कर दिया। कई निवेशकों को 9-5% का सालाना रिटर्न दिया गया। ये उन निवेशकों के लिए चौंकाने वाला था जो साल में 18% तक रिटर्न पाते थे। 2018 में तो कुछ स्कीमों पर रिटर्न गिरकर 3-1% तक पहुंच गया। इसके बाद मई 2018 आते आते निवेशकों को ये रिटर्न मिलना भी बंद हो गया। कंपनी की ऐसी हालत देखकर निवेशकों के सब्र का बांध टूटने लगा, वे इधर उधर भागने लगे। निवेशकों को तगड़ा झटका तब लगा जब अचानक से IMA ने अपना ऑफिस ही बंद कर दिया। अब निवेशकों को मंसूर खान के इरादों का अंदाजा हो गया था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हजारों निवेशक अपनी बचत की पूंजी मंसूर खान की कंपनी में लगा चुके थे। अब लोगों के सामने रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। हार का करीब 25,000 निवेशकों ने मंसूर खान के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया। पुलिस ने IMA के बेंगलुरु के जयनगर स्थित ऑफिस और उसके घर पर छापा मारा। यहां से करोड़ों रुपए की ज्वेलरी और कुछ दस्तावेज जब्त किए। मगर इन छापों से पहले 8 जून 2019 को मंसूर खान दुबई भाग गया। बाद में पूरे मामले की तहकीकात के लिए बेंगलुरु पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन कर दिया। दुबई पहुंचकर मंसूर खान ने एक ऑडियो क्लिप जारी की। 10 जून 2019 को मंसूर ने एक ऑडियो क्लिप बेंगलुरु पुलिस को भेजी। मंसूर खान ने आरोप लगाया कि उसे कुछ अधिकारी और नेता प्रताड़ित कर रहे हैं, वो आत्महत्या कर लेगा। इसके बाद उसने 23 जून को एक वीडियो जारी किया। इसमें उसने दावा किया कि ठगी के असली अपराधी कुछ बड़े नाम हैं, अधिकारियों ने उससे 400 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है।
इसके बाद 15 जुलाई 2019 को उसने एक और वीडियो जारी किया। इसमें उसने कहा कि वो 24 घंटे में भारत लौट आएगा। उसने देश छोड़ने के अपने फैसले को सबसे बड़ी गलती बताया और पुलिस से सुरक्षा की मांग की। मंसूर खान ने कहा, मुझे भारत की न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। भारत को छोड़ना बड़ी गलती थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे उस समय देश छोड़कर जाना पड़ा। मैं अब नहीं जानता हूँ कि मेरा परिवार कहाँ है। पर मंसूर की कहानी शुरू कहाँ से हुई? तो ये कहानी शुरू होती है बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से, जहाँ से मंसूर खान ने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उसने चेन्नई के मैसी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। साल 2006 में मंसूर ने आई मॉनिटरी एडवाइजरी नाम की कंपनी बनाई। इसके बाद उसने IM डिजिटल, IM ट्रेंड्स, IM एंटरटेनमेंट, IM जाई, IM IP जैसी कई कंपनियां बनाई। इन सभी में उसने निवेशकों को बिजनेस पार्टनर बनाया। कंपनी ने 2016 में IMA ज्वेल्स नाम की कंपनी बनाई। ज्यादातर कंपनियों में मंसूर खान डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर होता था। IMA ग्रुप का दावा था कि उसके पास बेंगलुरु शहर में करीब 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। मंसूर के रसूख का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने जून 2017 में एक सरकारी स्कूल VK अब्दुल्ला स्कूल का अधिग्रहण किया और इसके उद्घाटन के लिए कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बुलाया। पर अब मंसूर की कहानी खत्म हो चुकी है। दुबई से लौटने पर उसे प्रवर्तन निदेशालय और कर्नाटक SIT की टीम ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल वो प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में है। उससे पूरे घोटाले की पूछताछ की जा रही है। इस मामले में कुछ और अपडेट आता है तो वो भी हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए dlallantop.com और हाँ, सतर्क भी रहिए। अपना मेहनत से कमाया पैसा कहीं भी मत लगा दीजिए, लगाइए तो पूरी जांच पड़ताल के बाद। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारी ऐप प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए। शुक्रिया।